जूही चावला के भाई बॉबी चावला जो कोमा में थे उनका सुबह जसलोक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। बॉबी शाहरुख खान की कंपनी रेड चिली में सीईओ पद पर काम करते थे और वे 2010 से कोमा में थे। बॉबी चावला को रेस्टोरेंट में खाना खाते समय अटैक आ गया था। जूही अपने भाई के साथ कोमा से बाहर निकलने की लड़ाई लड़ रही थी। जूही ने कहा है कि एक एक्टर को उसकी फिल्मों से ताकत और हौसला मिलता है। मेरे भाई ने मुझे ये बहुत अच्छा उपहार दिया है। मेरी फिल्म रिलीज हुई और वे मुझे छोड़कर चले गए हैं। जूही चावला के भाई पर बाणगंगा शमशान भूमि में अंत्य संस्कार किए जाएंगे। बॉबी की तबीयत काफी समय से चिंताजनक थी और फिर सुबह 7:30 बजे को उनका देहांत हो गया। जूही की हाल ही में प्रदर्शित हुई फिल्म गुलाब गैंग में जूही की बहुत प्रशंसा की गई है, पर जूही उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर सकती। हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हें इस दुख से बाहर निकलने की ताकत मिले। बॉलीवुड की चटपटी मसालेदार खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।